मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने सोमवार को पटवारी कार्यालय के बाहर हड़ताल के 29वें दिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए शंख बजाकर प्रदर्शन किया। दरअसल मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले पटवारियों की वेतन विसंगति दूर कर पे ग्रेड 2800 किए जाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल की जा रही है। स्थानीय पटवारी कार्यालय के बाहर हड़ताल कर रहे जिले के पटवारियों द्वारा थाली और शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पटवारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। बता दें करीब एक माह से पटवारी हड़ताल पर हैं, जिससे डूब प्रभावित क्षेत्रों और किसानों के खेतों में हुए नुकसान का सर्वे प्रभावित हो रहा है। क्या पर क्या आपका? मैं नम्रता गहलोत, तहसील अध्यक्ष पड़वान। आज हम लोग जो है शासन को जगाने के लिए शंखनाद और थालियां जा रहे हैं, ताकि सोई हुई सरकार जाग जाए और हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। हमारी मुख्य मांग है वेतन विसंगति को दूर करना, हमारी ग्रेड पे को बढ़ाना, हमारी ग्रेड पे 2800 करना और हमारे वेतन भत्तों को बढ़ाना। आज कौन सा दिन है? आज हमारी हड़ताल को पूरा एक महीना हो चुका है, 29वां दिन है। क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके? हमारी हड़ताल का प्रभाव, बातचीत चल रही है लेकिन बातचीत दिन पर दिन बेनतीजा साबित हो रही है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ है, तो हम उन्हीं के तरीके से शासन को जगाकर हमारी मांगे उन तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम भी आपके ही नागरिक हैं, आपके ही देश में निवास रहते, तो हमारी समस्याओं को भी सुने और इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सूचना दे और उनसे आदेशित करे कि हमारी मांगों को पूरा करे। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।